हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पावर टेक हेल्प। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ पेनिस्ट ईस्ट इन्फेक्शन के बारे में कि अगर आपके पेनिस्ट में ईस्ट इन्फेक्शन हो तो उसे कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि पेनिस में ईस्ट इन्फेक्शन को कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ इमेज दिख रहा होगा, जैसे ये सभी मेडिसिन का इमेज है जो कि ऑइंटमेंट और मेडिसिन भी है। इन सभी का यूज करके आप चाहे तो अपने पेनिस में हुए ईस्ट इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि टैबलेट्स के बारे में, अगर पेनिस में ईस्ट इन्फेक्शन हो तो कौन कौन से टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट टैबलेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्लैजिल 400 mg का ये जो टैबलेट है जो कि स्क्रीन पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और इसके साल्ट की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे मेट्रोनाइडाजोल, ये इसके साल्ट हैं जिसके जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और जो नेक्स्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लुकोनाजोल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फ्लुकोनाजोल टैबलेट्स हैं जो कि ये मार्केट में फुलका ब्रांड नेम से 150 mg ब्रांड नेम से ये मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे जो थर्ड नंबर है एस्केनेडाजोल, ये जो कि आप यहाँ पे इमेज पे देख सकते हैं, और ये सेकजोल DS के नाम से ये मार्केट में मिल जाएगा आपको। तो ये सभी आप जो भी ये टैबलेट्स हैं इसका यूज करके आप ईस्ट इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। यानी अगर आपके पेनिस में ईस्ट इन्फेक्शन हो तो आप इन सभी टैबलेट का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही मतलब यूजफुल टैबलेट्स होते हैं। अब नेक्स्ट बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये एक मेंस इंटीमेट वाश होता है जिसका यूज किया जाता है, मैंने वाश करने के लिए, क्लीन करने के, यानी जो आपका ईस्ट इन्फेक्शन वाला एरिया होता है, जो पेनिस ईस्ट इन्फेक्शन होता है, उस एरिया को आप इस मेंस इंटीमेट वाश का यूज करके उसको क्लीन कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, मतलब साफ उसको क्लीन कर सकते हैं। यानी इसका यूज किया जाता है वास्ट ईस्ट इन्फेक्शन एरिया, जहाँ पर ईस्ट इन्फेक्शन एरिया हो तो उसको क्या करना, वाश करने के लिए इस मेंस इंटीमेट वाश का यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि कभी कभी जो भींगे हुए कपड़े पहनने से या फिर जो हमारा पसीना होता है उससे भी क्या होता है कि जो हमारा पेनिस वाला एरिया होता है वहाँ पे हमेशा क्या होता है, मतलब गीला रहता है, भींगा हुआ जैसा रहता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मतलब क्या होता है, ईस्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे ईचिंग होने लगता है और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होने लगता है। तो उस कंडीशन में आप इस मेंस इंटीमेट वाश का यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जैसे आप इससे वाश करेंगे तो वहाँ पे कोई ऐसे इन्फेक्शन नहीं होगा। तो आप इसके यूज़ समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे मैं ऑइंटमेंट का बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हर्बल क्रीम्स ज़्यादातर इसका यूज किया जाने वाला, मतलब बहुत ही बेस्ट क्रीम होता है, जो हिमालय एंटीसेप्टिक क्रीम जो आता है मार्केट में, आपको ईजिली मिल जाएगा हर मेडिकल स्टोर पर, जो कि इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये बहुत ही यूजफुल क्रीम्स होता है। इसके यूज के बारे में मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे ट्रीट ईस्ट इन्फेक्शन, यानी ईस्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब ईस्ट इन्फेक्शन हो या फिर फंगस इन्फेक्शन, उस कंडीशन में आप इस क्रीम का अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही मतलब बेस्ट क्रीम होता है और ये हर्बल क्रीम्स होता है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जैसे OTC मेडिसिन का भी यूज कर सकते हैं, जैसे OTC एंटीफंगल क्रीम, जो ऑइंटमेंट के रूप में आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे, ये दो ऑइंटमेंट है, ये OTC ओवर द काउंटर आप मतलब ले सकते हैं, ये इजीली हर मेडिकल स्टोर को आपको मिल जाएगा। जो फर्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे माइकोनाजोल, और जो सेकंड नंबर है क्लोट्रिमाजोल, यहाँ पे ये आपको इमेज दिख रहा होगा, ये माइकोनाजोल का इमेज है, और ये जो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लोट्रिमाजोल का इमेज है, जो कि इसका यूज किया जाता है एंटीफंगल, यानी यह एंटीफंगल क्रीम होते हैं, जहाँ पर अगर फंगल इन्फेक्शन हो उसको ट्रीट करने के लिए इस क्रीम का यूज कर सकते हैं, और ये एंटीफंगल क्रीम होता है, बहुत ही बेस्ट क्रीम होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या है, फ्लुकोनाजोल और ये पोविडोन आयोडीन, ये दोनों ऑइंटमेंट का भी यूज कर सकते हैं आप, मतलब फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। ये दोनों ऑइंटमेंट एंटीफंगल ऑइंटमेंट होता है और इसका यूज किया जाता है फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, यानी ठीक करने के लिए इस ऑइंटमेंट का यूज किया जाता है, और ये बहुत ही बढ़िया क्रीम होता है, और आप समझ गए होंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जैसे और सारे बहुत जो होते हैं एंटीफंगल क्रीम होते हैं, जिसका मैं नाम बता दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसे मार्केट से परचेज करके इसका अप्लाई कर सकते हैं। फुलकोनाजोल है, पोविडोन आयोडीन है, माइकोनाजोल है, इमिडियाजोल, और यहाँ पे क्लोट्रिमाजोल है, क्लिंडामाइसिन है, मेट्रोनाइडाजोल है। ये सभी मेडिसिन क्या है, ये सभी जो ऑइंटमेंट है ये OTC एंटीफंगल मतलब क्रीम है। ये आप इजीली समझे तो ये मतलब क्या है, एंटी फंगल क्रीम है, यानी फंगल को ट्रीट करने के लिए, यानी फंगल को रोकने के लिए इन सभी क्रीम का अप्लाई किया जाता है, यूज किया जाता है। तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, आपका जो पेनिस में जो ईस्ट इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे इस क्रीम का अप्लाई करके आप चाहे तो उसे इजीली ठीक कर सकते हैं।
और आप दोस्तों समझ गए होंगे ये पेन ईस्ट इन्फेक्शन हो तो आपको कौन सा मेडिसिन का यूज करना चाहिए या फिर कौन सा क्रीम का यूज करना चाहिए, आप इजीली समझ गए होंगे। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।